हिमाचल प्रदेश की सियासत पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य सिंह प्रियंका गांधी के संपर्क में है। अब प्रियंका राज्य में गुटबाजी को कम करने और स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी ने अनिरुद्ध सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने विक्रमादित्य को कहा है कि आप हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य है। तो यहाँ पर प्रियंका के संपर्क में है विक्रमादित्य और गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस में चरम पर है। ऐसे में गुटबाजी कम करने की कोशिश प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। विक्रमादित्य को आश्वासन दिया गया है कि आप युवा चेहरा हैं और भविष्य आप ही हैं। क्लर्क ने लिफाफा पकड़ने में आनाकानी की, इतने में लिफाफा गिरा और उसमें रखे पैसे जमीन पर बिखर गए। फिर क्या था, उस क्लर्क के पास खड़े दोनों आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बाहर से कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी उसे पीटा। ये घटना शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे एक ऐसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिस पर उस क्लर्क से मारपीट करने वाले लोगों की नजर नहीं पड़ी और इसी वजह से शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क को गिरफ्तार करने पहुंची एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए। जबकि पिछले हफ्ते तक कहानी ये थी कि उस क्लर्क ने एक शिक्षक से रिश्वत मांगी थी और उस शिक्षक का एरियर निकलवाने का वादा किया था और इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद आरोप लगा कि एसीबी की टीम के अधिकारियों ने उस क्लर्क पर झूठा आरोप लगाया और सबूत मिटाने के लिए शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल कर ले गए। एक दूसरे वीडियो में दो लोग दफ्तर में घुसते और कोने में स्टूल पर चढ़कर कुछ उतारते दिखे। काम होने के बाद एक आदमी बाहर चला गया और दूसरे ने दफ्तर में घूम घूम कर जांच की, लेकिन उसकी नजर दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी। इसी वजह से एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए और आरोप लगा कि एसीबी ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क को फंसाने के लिए जाल बुना और उसे घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इधर पंजाब के मोहाली में एक नामी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। पंजाब के मोहाली में जम्मू के नामी गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि एक गाड़ी में आए 5 से 6 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की 45,92,000 की संपत्ति जब्त कर ली। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के पैसे का निजी तौर पर इस्तेमाल किया था। मालदीव का नाम लिए बिना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में साफ किया कि भारत अपने आसपास के क्षेत्रों में दादागिरी दिखाने की कोशिश नहीं करता। उनके मुताबिक अगर भारत की ऐसी मंशा होती तो वो अपने पड़ोसी देशों को $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 38,000 करोड़ की मदद नहीं देता। मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी साल जनवरी में चीन से लौटने के बाद इशारों में भारत पर दादागिरी करने और धमकाने का आरोप लगाया था। उधर केरल में एक छात्र की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कांग्रेस के बाद बीजेपी की यूथ विंग BJYM ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इस केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और केरल के तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। पानी की मोटी धार ने थोड़ी देर के लिए इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। वो बैरिकेड पकड़ कर खड़े हो गए और अपनी जगह से हिले तक नहीं। इससे पहले इन लोगों ने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेड हटाने की कोशिश की। बीजेपी के यूथ विंग BJYM के कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैरिकेड हिलाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने पूरी ताकत झोंक कर बैरिकेड हटाने की कोशिश की और तभी पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी और प्रदर्शनकारियों को रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही पानी की बौछार रुकी, इन लोगों ने एक बार फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जब भी आगे बढ़ते पानी की मोटी धार इन्हें रोक देती। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये प्रदर्शन केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत के मामले में हुआ। ये यूनिवर्सिटी वायनाड में है और छात्र की खुदकुशी का ये मामला 18 फरवरी का है।